हेलो एवरीवन चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ट्रोमेटिकल आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है इजी सा क्वेश्चन है प्रूफ करना है प्रूफ क्या करना है हमें यहाँ पे कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर बहुत ही इजी सा है क्यों है? मैं ऐसा कह रहा हूँ देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर एके और कॉसिक स्क्वायर ए कॉसिक स्क्वायर ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर रखा है इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर एके सो इस दो आइडेंटिटी को अगर हम लोग यूज करेंगे तो एल एच एस को हम लोग लिख सकते हैं ध्यान से देखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए सो दिस इज वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्वायर ए सो वी कैन राइट हिस्सर दिस इज सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाय वन प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा हमारा कॉसिक स्क्वायर ए कॉसिक स्क्वायर ए और सेक्वायर ए को क्या लिख सकते हैं वन ओवर कॉसिक कॉस स्क्वायर ए ओके डिवाइड में कॉसिक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं वन ओवर साइन स्क्वायर ओके सो दिस इज इक्वल टू वन ओवर कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय वन मतलब रेशियो अगर ए ओवर बी डिवाइड बाय सी ओवर डी होता है तो इस रेशियो को हम लोग ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय डी ओवर सी करते हैं ठीक है और ये साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी जो कि आर एच एस में है राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए और यही हमारा क्या है आर एच एस है राइट हैंड साइड तो एल एच एस से हम लोग निकले और एच एस तक पहुंच गए यूज कौन कौन सा आइडेंटिटी हुआ एक आइडेंटिटी ये और एक आईडेंटिटी ये आप लोगों को ये आइडेंटिटी याद रखनी है ओके चलिए नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर थर्टीन करेंगे हैव नाइस डे